वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड के बारे में या फिर नाइका के बारे में। देखिए, नाइका में एक वैल्यूएशन का कंसर्न शुरू से रहा है। स्टॉक का पी वाइज अगर आप देखेंगे, पेग रेशो वाइज देखेंगे, तो हर कोई ये कहेगा कि यार वैल्यूएशन काफी हायर एंड पर है। बट अल्टीमेटली आप एक चीज समझिए कि जब हम एक स्टार्टअप को यहाँ पे लाते हैं तो आप उसे थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग देखते हैं, मार्केट जो है उसे डिस्काउंट करता है, वो एक चीज है। एनीवेज, यहाँ पे वैल्यूएशन तो जहां से स्टॉक लिस्ट हुआ था वहां से हाफ से भी ज्यादा कट डाउन हो ही चुके थे। करंट लेवल्स पे बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.69 पे, स्टॉक का पी 1600 के करीब है, एंड पेग रेशियो 74 पे। तो बॉटम लाइन को बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे काम करना। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि देखो, इस इंडस्ट्री में ना मार्जिन बहुत अच्छा बन जाता है। 15-20% से भी ज्यादा के मार्जिन कंपनी बना सकती है अगर चाहे तो, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है एंड हाई ग्रॉस मार्जिन प्रोडक्ट है। तो वो एक चीज है। आज कंपनी मार्जिन इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि इनका जो एक्सपेंस है वो कंपैरेटिवली हायर एंड पे है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, इनकी मटेरियल कॉस्ट 57% के आसपास में है एंड एम्प्लॉय कॉस्ट 8% के आसपास में। इन एंड आउट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये अपने अगर मार्केटिंग एक्सपेंस को भी थोड़ा सा कम करेंगे तो इनका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। बट मार्जिन इम्प्रूव होने से मतलब ये नहीं है कि उनके सेल्स इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि जहां पे इन्होंने मार्केटिंग में थोड़ा सा भी कट डाउन किया, सेल्स को थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो वो जो है ना, एक चलता रहता है किसी भी नई कंपनी के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए। वही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। हाँ, जिनको एग्जिट मिल गया उन्हें बहुत अच्छा एग्जिट मिला। एनीवेज, दिसंबर 2023 के रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स अच्छी थी, मार्जिन के अंदर 1% की ग्रोथ थी एंड 17 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बनाया कंपनी ने, डिस्पाइट द फैक्ट कि न्यूज यहाँ पर ही आई एफ एस एन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड जस्ट मिस अर्निंग्स बट एनालिस्ट हैव अपडेटेड देयर मॉडल्स। यही चीज यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी नाइका के बारे में तो हमने सेम चीज डिस्कस करी थी कि ये जो जोन है 162.15 से लेके 115 तक का, ये एक प्रिवेलिंग और एक इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी इस तरीके से कुछ खास नहीं आए, ऑल्दो ब्रेकआउट पे एक अच्छा सर्ज था, बट यहाँ पे ये जो अर्निंग्स मिस हो गई उसके बाद से आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रेकडाउन आया। और मुझे लगता है यहाँ पे ये सिर्फ बहाने वाली बात होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है ये सिर्फ बहाने वाली बात होती है, बिकॉज रिजल्ट्स अगर आप एज सच देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे थे। हाँ, यहाँ पे ये होता है ना कि Q3 रिजल्ट्स के अंदर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर वो फेस्टिव सीजन होता है, लोग खर्च करने के लिए तैयार होते हैं पैसा। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझना। एनीवेज, यहाँ पे स्टॉक जो है वापस 162.15 के नीचे आ गया, तो अगर ये पुल बैक यहीं पे पूरा होके स्टॉक इस लेवल के ऊपर चला जाता तो फिर से ये लेवल्स जो है प्रिवेल करेंगे 179.70। उसके बाद ये क्रिटिकल जोन है 208 रुपए 50 पैसे तक का। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं इस कंपनी के बोरोइंग्स को। तो 966 करोड़ के बोरोइंग्स है, जिसमें मैक्सिमम स्टेक जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में है एंड 306 करोड़ के लीज लाइबिलिटीज है जो इनके ऑफलाइन स्टोर्स हैं उसको लेके। पर 660 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है यहाँ पे कंपनी के पास में, 1100 करोड़ के रिजर्व्स भी हैं। कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर 72 करोड़ इनका रिसीवेबल में फंसा हुआ है, ये फिगर अभी तक की हाईएस्ट है। और रिसीवेबल्स के अंदर अगर पैसा रुका हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं सेल्स जो है थोड़ी सी क्रेडिट पे ज्यादा करी है, तो वो एक चीज आपको समझनी है। यहाँ पे 130 करोड़ रुपए इन्वेंट्री में फंसा हुआ है एंड पेबल्स भी यहाँ पे हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं इस बार। साथ ही में अगर हम लोग रेशियोज की बात करें तो कैश कन्वर्जन साइकिल हमें बढ़ती हुई नजर आई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे इन्वेंट्री डेज कम होते हुए नजर आए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये एक थोड़ी सी चीज है जो समझनी चाहिए। यहाँ पे डेज पेबल ऑल्दो कम हुए हैं, यहाँ पे डेटर डेज बढ़ते हुए नजर आए हैं, वो एक चीज समझनी है। मतलब कंपनी 34 डेज में पैसा देती है एंड 12 दिन में इनके पास में पैसा आता है, मगर बात क्या है कि ये पहले 9 दिन में आया करता था, वो बढ़ गया एंड जहां ये 62 डेज में दिया करते थे अब ये देते हैं 34 डेज में। तो आपका क्रेडिट साइकिल जो है वो कम हो गया, तो आपको वो समझना पड़ता है। दूसरी चीज यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो FIIs ने वापस से स्टेक बढ़ाया है, DIIs ने पोजिशंस बढ़ाई है, पब्लिक के पास में स्टेक कम होता हुआ नजर आया। बट अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल्स के बेसिस पे जाते तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे, ये प्रिवेलिंग जोन को बीट करने दो, उसके बाद में चीजें मुझे लगता है एक मोमेंटम के साथ में गैदर हो सकती है। विद दैट सेड, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।